नाजीन, मैं नदीम, के, एक के साथ नए टूरियल के साथ आज का जो हमारा टूटोरियल है वो उसी तरह से जैसे हमने इसकी तरतीब शुरू की डिजाइन से रेलिवेंट होगा आज का जो डिजाइन है वो ये आपके सामने है मुख्तलिफ बॉक्सेस की मदद मतलब से ये डिजाइन बनाया गया है और इस डिजाइन को किस तरह से बनाना है यही मेन हमारा टॉपिक होता है डिजाइन तो बन जाता है आप लोग बना भी रहे लेकिन किसी भी डिज़ाइन की ज्योमेट्री को समझना फिर उसको वहाँ पे अप्लाई करके या इम्प्लीमेंट करके उस डिज़ाइन को कंप्लीट करना यही हमारा हमेशा मौजू रहता है तो इस डिज़ाइन को अगर आप गौर से देखें कि ये जो इसका इनर साइज है यहाँ पे इसकी डिस्ट्रीब्यूशन हुई हुई है यानी इसमें एक दो तीन चार पाँच रेक्टेंगल्स लगी हुई हैं और उनके फिर ऑफ साइड के बाद उनका बॉर्डर बना हुआ है और सेम ऑफ साइड से उसके दरम्यान में ये लाइन गुजारी हुई है तो ये बेसिकली जितनी भी तरतीब है वो एक खास समिट्री के तहत है अच्छा अमूमन लोग जब ऐसे डिज़ाइन को ड्रा करना शुरू करते हैं तो वो उसके इन डिज़ाइनों को अलहदा ट्रेस कर रहे होते हैं इनको ट्रेस कर रहे होते हैं और तब जाके ये डिज़ाइन बनाते हैं लेकिन आप लोगों ने अब ऐसा नहीं करना आपने इसको जब बनाना है तो सबसे पहले इसको समझना है कि इसमें कौन सा पार्ट कॉमन है और फिर उस पार्ट को आपने इसमें अरे करना है पैटर्न करना है या जो भी कोई उसकी तरतीब बनानी है फिर उसके बाद करें लेकिन सबसे पहले हर डिजाइन के अंदर उसकी बेसिक ज्योमेट्री को पकड़े ना कि आप ऐसी चीजों में उलझे रहें जो आपका टाइम भी ज़ाया करें और डिजाइन में खूबसूरती भी ना आए अगर मैं इस डिज़ाइन के हवाले से बात करता हूं तो ये देखिए इसमें ये जो बॉक्स है कोई एक बॉक्स ले लें ये जो बॉक्स है ये सेम आगे रिपीट हुआ हुआ है सेम आगे रिपीट हुआ हुआ है उसके दरम्यान में ये जो करेक्टर लगे हुए हैं उसको आपस में जोड़ रही है पट्टी ये सेम पट्टी आगे आगे और आगे गई हुई है तो क्यों ना हम इसको इस तरह से सोचें जैसे कि मैं यहां पे आपको इसकी पोजिशन बताने लगा हूं कि अगर मैं इसको यहां से आधा करूं ये देखें इस जगह पे और यहां से इसको भी आधा आधा साइडों पे लूं फॉर एग्जांपल आप इसको अगर अंडरस्टैंड कर रहे हैं तो ये देखें ये मैंने वैसे ही आ, इसके विंडो का जो एडिटर है उसको यूज़ किया तो देखिए ये वाला जो आपको यहां पे इतना डिज़ाइन नज़र आ रहा है ये चीज़ ये डिज़ाइन और इस साइड पे आधा आधा मैंने अगले के लिए छोड़ दिया जब ये रिपीट होगा तो अगले का आधा इसके साथ जुड़ जाएगा तो ये वाला जो डिज़ाइन है ये जब रिपीट होगा तो ये दोनों लाइनें आपस में मिल जाएंगी और ये डिज़ाइन सारे का सारा रिपीट हो जाएगा यानी इस पूरी ज्योमेट्री में इस पूरी ज्योमेट्री में ये एक डिज़ाइन ऐसा डिज़ाइन है जो बार बार रिपीट हो रहा है तो सिंपल सा काम है हमने सिर्फ इतना सा डिज़ाइन बनाना सारा हम नहीं बनाएंगे सिर्फ इतना सा डिज़ाइन बनाएंगे और उस डिज़ाइन को रिपीट करेंगे अच्छा अब इसको डिज़ाइन करने का या इसको रिपीट करने का तरीकाकार क्या होगा मतलब खाली एक बार लगेगी इसके कोई मेजरमेंट कुछ तरतीब हमने सेट करनी है जो कि यहाँ पर बनेगी देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये शीट पूरी जो है ये दो फिट बाय दो फिट की है इसमें से यहाँ पे अगर मैं इसको पौनी इंची फॉर एग्जाम्पल मैं पौनी इंच मर्जी से भी कर सकते हैं अगर मैं यहाँ पे ये पौनी और ये पौनी इंची यानी चौबीस इंच में से आप पेपर पे साथ साथ नोट करें चौबीस इंच में से आपने पॉइंट सेवन फाइव माइनस करना है फिर पॉइंट सेवन फाइव माइनस करना है इसका मतलब है चौबीस इंच में से आपने डेढ़ इंच माइनस कर देना है तो ये आपके पास साइज बाजेगा बाईस अशारिया पांच यानी डेढ़ इंच इसमें से माइनस हो गया इसी तरह से इस साइड से भी ये साइज बचेगा और इस साइड से भी अंदर यहां से लेके इस एज से लेके इस एज तक साइज बाईस अशारिया यानी साढ़े बाईस इंच बचेगा अच्छा उसके बाद आप ये देखिएगा कि इसके अगर मैं सेगमेंट करूं तो यहां से लेके यहां तक एक फिर यहां से लेके यहां तक दो फिर यहां से लेके यहां तक तीन फिर यहां से लेके इसके मिड तक चार और ये पाँच इसका मतलब है बाईस अशारिया पांच को आप पांच पे तकसीम करेंगे इसको पांच पे तकसीम करेंगे तो आपको यहां पे दरमियान में एक लाइन मिलेगी हर जगह पे ये लाइन ये लाइन ये लाइन बस यही इसका मेन पैटर्न है और इसी पैटर्न से हमने आगे चलना है तो जैसे ही हम बाईस अशारिया पांच को तकसीम करेंगे पांच से तो हमें जो इसकी वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी फोर यानी इस एज से लेके इसके मिड तक 4.5 जब 4.5 आएगा तो आपके पास ये बॉक्स आ जाएगा और इतने से एक बॉक्स के अंदर ये डिज़ाइन बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है वो बड़ी बड़ी आसान तरतीब बनती है तो स्टार्ट करते हैं ऑटो कैड पे ऑटो कैड पे हम जैसे ही पहुंचेंगे ऑटो कैड में न्यू ड्राइंग मैंने ली न्यू ड्राइंग लेने के बाद सबसे पहले मैं इसकी ये ग्रिड्स ऑफ कर रहा हूं यहां से और आपको याद होगा सबसे पहला काम हमारा होता है इसके यूनिट सेट करना मैंने जैसे यूनिट्स पे लिखा और यहां से ये आर्किटेक्चरल किया ओके करें ओके okay, करने के बाद इसकी लिमिट सेट की लिमिट पहली वैल्यू मैंने जीरो डाल दी दूसरी वैल्यू में मैंने चौबीस कॉमन चौबीस लिखा और एंटर किया जैसे चौबीस कॉमन चौबीस लिख कर मैंने इसकी लिमिट सेट की उसके बाद जूम ऑल जूम आल किया थोड़ा सा जूम आउट करके यहाँ पे आ, मैं वही वाला इमेज कॉल कर रहा हूँ जो अभी हमने रिसेंटली जिसको देख रहे थे वो इमेज कॉल करूंगा यहाँ पे ये वाला इमेज आ गया इस इमेज को यहाँ पे इंपोर्ट किया और इसकी पोजीशन अब देखें लास्ट टाइम तो हम लोग काम कर का रहे थे जी प्रॉपर हम आर्थो की ज़ीरो पोजीशन पे जाके अभी मैं कुछ भी नहीं ऐसा कर रहा सिंपल मैंने यहाँ से इमेज पकड़ा और ये यहाँ पे रख दिया कोई साइज़ नहीं कोई कुछ नहीं है मैं बिल्कुल इसको किसी साइज़ पर लेके नहीं जा रहा मैं यहाँ पे आपको एक कमांड देना चाह रहा हूँ रेक्टेंगल आर ई सी मैंने रेक्टेंगल की कमांड लगाई कहीं पर भी मैंने ये क्लिक किया और इसकी पहली वैल्यू 24 फिर कॉमा डाला फिर चौबीस तो ये रेक्टेंगल ड्रॉ हो गई दो फुट बाई दो फुट की स्टार्ट पॉइंट मैंने कहीं पर भी क्लिक करके ले लिया वैल्यू उसकी चौबीस एक्स और चौबीस वाई दी तो ये रेक्टेंगल ड्रॉ हो गई ये जो इमेज इसके अंदर हमने फिक्स करना है आ, इस इमेज को मैं यहां पे इसके अंदर अलाइन करने के लिए मेरे पास कमांड मौजूद है ए एल फॉर द अलाइन जैसे ही मैंने ए एल लिखा दोबारा से देखेगा ये अलाइन की कमांड लगाई एंटर करें किसको अलाइन करना है इस ऑब्जेक्ट को अलाइन करना है कहां से कहां पे sì देखिए जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ के किसी के साथ अलाइन करते हैं तो आप उसके एजिस को कार्नर को उसके साथ मैच करते हैं तो मैं कहता हूं कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट है इसका ये कार्नर इसपे सेट हो और ये कार्नर इस पर सेट हो और ये कार्नर इसपे सेट हो और ये कार्नर इसपे सेट हो तो जब हम अलाइन की कमांड देते हैं अलाइन दो तरह का होता है एक उसमें ये होता है कि आप उसके दो कार्नर दें और तीसरा उसको स्केल कह दें यानी जैसे यहां पे देखिए ना यहां से लेके यहां पे ये कारनर इसके साथ मैच हो जाएगा ये इसे पीछे रह जाएगा यहां पे अच्छा पहले पहले एग्जांपल करके देख लेते हैं मैं उसे कहता हूं यहां पे अब आपने नीचे यहां पे भी तोजो रखनी सिलेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गया राइट क्लिक करें वो कहते हैं स्पेसिफाई फर्स्ट सोर्स सोर्स पॉइंट ये मैंने पहला सोर्स पकड़ा और उसके डेस्टिनेशन पॉइंट ये उसका डेस्टिनेशन पॉइंट आ गया यानी इस सोर्स को मैंने उठा के इस डेस्टिनेशन पर लेके आना है ये क्लिक किया उसके बाद फिर उसने कहा

वापस आते हैं मैंने अंडू किया कंट्रोल यू कंट्रोल जी के साथ अंडू या यू प्रेस करके एंटर करें दोबारा से मैं अलाइन की कमांड दे रहा हूं ए एल लिखा एंटर किया सोर्स ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया ये सोर्स ऑब्जेक्ट अच्छा अब वो कहता है फर्स्ट सोर्स पॉइंट सोर्स का पहला पॉइंट मैंने ये पकड़ा और उसको कह दिया कि ये वाले एज पे डेस्टिनेशन है तुम्हारी सेकेंड उसको मैंने ये पकड़ा और कह दिया कि ये डेस्टिनेशन है तुम्हारी देखिए वहां पे उसने लाइंस लगा के आपको रेफरेंस भी दे दिया कि ये एज यहां पे जाएंगे अब जैसे ही वो थर्ड पॉइंट मांग रहा है साथ आगे ब्रैकेट में लिखा उसने उसे कंटिन्यू कर दिया जैसे उसने कंटिन्यू किया तो यहाँ पे हमारे पास अगला ऑप्शन आ गया या भी हमारे पास ऑप्शन आ गया अलाइन स्केल ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन अलाइनमेंट पॉइंट अलाइन की तो कमांड चल रही है आगे जिसने आपको मैसेज दिया स्केल ऑब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन अलाइनमेंट पॉइंट ये जो हमारे अलाइनमेंट पॉइंट हैं, ये जो हमने दो अभी पॉइंट उसको दिए क्या इनको स्केल भी करना है यानी इनको इसके मुताबिक बड़ा भी करना है तो बिल्कुल हम यहाँ पे उसको वाई लिख कर एंटर कर देंगे ये मैंने उसे यस बोला तो वो जो हमारा सोर्स ऑब्जेक्ट है उसको उसने उठाया और जो हमने उसको डेस्टिनेशन पॉइंट दिए थे वहाँ पे उसने उसे अलाइन भी कर दिया यानी इसका जो भी साइज़ था जैसा भी साइज़ था वहाँ पर पूरा कर दिया देखिए मैं एक एग्जाम्पल आपको इसकी और बना के देता हूँ ये मैंने इसको कुछ इसी शक्ल में रख दिया अब इसकी अलाइनमेंट हर तरफ से आउट है ठीक है इसको मैं छोटा भी कर देता हूँ ये देखें ये इतने साइज़ में पड़ा हुआ है अब इसको मैंने यहां पे सेट करना है तो क्या होगा ए एल अलाइन सोर्स ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया सोर्स पॉइंट यहां से लेके यहां पे दे दिया और इस पॉइंट को मैंने यहां पे दे दिया थर्ड पे मैं जस्ट एंटर करके उसको वाई बोलूंगा यस yes, यानी जैसे यहां पे देखें क्या कहा मैंने उसे दो डेस्टिनेशन पॉइंट दो सोर्स पॉइंट आपस में मैच हो जाएंगे और जो ऑब्जेक्ट है सोर्स ऑब्जेक्ट वो स्केल हो जाएगा एज पर डेस्टिनेशन वैल्यूज तो मैंने ये यस किया तो वो देखें उसने खुद बहुत उसको उठाया और यहाँ पे अलाइन करके आपके पास जो इमेज है उसको सीधा उस एरिया में रख दिया तो ये तो एक दरमियान में अलाइन की एक टेक्निक थी आगाज करते हैं जैसा मैंने आपको पहले बताया इसको मैं जूम करके क्लोज करता हूं कि इसके सबसे पहले हम इसका ये बाहर बॉर्डर लगाएंगे ऑफसेट करता हूँ पॉइंट सेवन फाइव पे ये ऑफसेट किया अच्छा ये देखिए जैसे मैं पॉइंट ले गया उसने दो रेक्टेंगल शो कर दी यानी दो ऑब्जेक्ट क्लिक करूंगा वो पूछ रहा है कि आपने किस पे पोली लाइन पे जाना है राष्ट्रीय मे है तो आपने पोली लाइन सेलेक्ट करनी है और इसको देखिए वो अंदर की तरफ उसने आप से बाहर करेंगे तो बाहर अंदर की तरफ करेंगे तो अंदर ये मैंने इन साइड पर क्लिक कर दिया ये हमारे पास यहां पर देखे अब मैं इस एरिए को जूम करता हूं यहां पर देखे ये अंदर लाइन ला गई अब अपने इसके सेगमेंट बनाने देखे मैं रेफरेंस के तौर पे यहां से एक लाइन ये बाहर सीधी लगा रहा हूं विदाउट एनी मेजरमेंट विदाउट एनी साइज क्यों? क्योंकि इसको मैंने डिवाइड करने के इस्तेमाल में लाना है तो ऑफसेट हमने कैलकुलेट किया था फोर पॉइंट फाइव तो मैं यहां पे जो है, वो ऑफसेट बनाता हूं। ये ऑफसेट आ गया इसी तरह से एक मैं लाइन रेफरेंस के तौर पे यहां से मैंने किया, यहां से एफेड प्रेस कर लेन करे ये मैंने लाइन लगाई इसको भी उसी वैल्यू पे फोर पॉइंट फाइव से ऑफसेट कर ले नीचे तो अब एक तो इनका कलर मैं चेंज करता हूँ यहाँ से आ, होम पे आ जाए यहाँ से मैं सिर्फ उसके कलर चेंज करता हूँ फॉर एग्जाम्पल मैं रेड कर देता हूँ क्योंकि नीचे हमारे पास जो इमेज है वो आ, वाइट में है और ब्लैक में है इस वजह से हमें यहाँ पे ये भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है ये अब ये हमने चूँकि यहाँ पे एक, एक ए, उसकी रेक्टेंगल भी ड्रा कर सकते हैं या आप इनको आपस में जोड़ भी सकते हैं जैसा मैं इस लाइन को इस लाइन के सामने तक लाता हूँ और इस लाइन को ये देखिए मैंने एक एक टेम्परे उसका एरिया जो है वो बाउंड कर लिया अब आप इसको ज़रा समझिएगा डिस्टेंस की कमांड के साथ आप इस पर काम कर सकते हैं वैसे अब मैं इसको यहाँ से ट्रिम करवा देता हूँ ये देखे ये यह लाइन यहाँ से मैंने ट्रिम करवा दी और इस लाइन को मैंने यहाँ से पकड़ के इसके ऊपर ला छोड़ दिया इसी तरह से इस लाइन को यहाँ से पकड़ के मैंने इधर छोड़ दिया और इस लाइन को भी यहां पे रख दें ये ट्रिम करवा लें या आप इस तरह से चार, चारों लाइनों को एडजस्ट कर सकते हैं इसको कहते हैं स्ट्रेच करना स्ट्रेच ये स्ट्रेच का ऑप्शन था तो अब इसके अंदर देखें ये अच्छा वो जो बात में हमेशा आप लोगों से कहता हूं कि हमेशा कोशिश करें साइजों में कोई तरतीब हो एक फैमिली बने पूरी तो मैं यहां से यहां तक मेजरमेंट और फिर यहां से यहां तक जो वैल्यू इसकी होगी वही इधर अप्लाई करें वही इस कनेक्टर पर अप्लाई करें जैसे मैं इसको हाफ इंच प्लान किया था ऑफ करता हूं पॉइंट फाइव पे तो देखिएगा मैं एक साइड पे काम कर ये मेरा पॉइंटर है पॉइंटर को देखिए यहां से ये मैं रेड लाइन लेता हूं ये देखें हाफ इंच पे फिर इसको हाफ इंच पे ऐसे ही इधर रेड लाइन ली ये और फिर इसको यहां पे अच्छा इसको आप यहां पे मिरर भी कर सकते एम आई मैंने मिरर लिया ये चारों लाइने सेलेक्ट की इस कार्नर से इस कारनर तक इनको मिरर कर दे ये चारों साइडों पे अप्लाई हो जाएंगी मिरर की कमांड आपने ये दो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए इस कार्नर से इस कारनर तक इनको ऐसे मिरर करवाया तो ये अपोजिट साइड पे भी बन गए अब देखिए हमारे पास क्या बना के ये रेक्टेंगल इन, इन साइड वाली बन गई तो आर ई सी मैं यहाँ पे कमांड लेता हूँ इस रेफरेंस से लेके इस रेफरेंस तक रेक्टेंगल ड्रा कर दी फिर मैंने इस रेफरेंस से लेके इस रेफरेंस तक लाइन ड्रा कर दी अब जैसे ही मैंने ये लाइनें ड्रा की मुझे इन लाइनों की अब ज़रूरत नहीं है ये आप बिल्कुल ख़त्म कर दें मैंने बिल्कुल आसान तरीन वे में बताया है जो आप कर सकते हैं बजाय आप इसकी ज़्यादा बारीकी में या इसकी ज्योमेट्री में जाए मैंने बहुत आसान हल आपको बता दिया उसके बाद फिर लाइन की कमांड में इस मिड से देखिएगा इस मिड से मैंने ये लाइन की कमांड लगाई ऑफसेट करता हूं पॉइंट टू फाइव यानी आधी इंच टोटल करना है तो आधा इधर आधा इधर ये देखें और इस दरमियान वाली लाइन को डिलीट कर दें इसी तरह से इसको इस साइड पे लेके जाना है तो देखिए मैं यहाँ पे आपको एक बड़ा आसान हाल देने लगा हूं मैंने इनके दरमियान में ये एक लाइन ड्रा की जो के आ, मुझे चाहिए वर्किंग के लिए मैं इसको रेड करता हूँ इसको मैंने बतौर रेफरेंस चाहिए मुझे ये वाली लाइन अब ये क्यों करूंगा हमारे पास यहाँ पे कमांड मौजूद है अरे की ए आर इसकी शार्ट किया दोबारा से देखिएगा ए आर मैंने जैसे लिखा तो अरे की कमांड आ गई हम यहाँ पे अरे इस्तेमाल करेंगे अच्छा ये अगर आप डायरेक्ट उस पर जाना चाहें तो अरे के अंदर ये सारे उसके ऑप्शन मौजूद है तो हमने अरे कर रहे हैं अरे आप ऑलरेडी दूसरे सॉफ्टवेयर में आपने देखा होगा वहाँ पे इसको पैटर्न का नाम दिया जाता है तो यहाँ पे ये अरे होती है अरे करेंगे ये पोलर फार्म है तो खैर मैं यहाँ पर आपको बेसिक कमांड पर आते हैं ए इसकी शॉर्ट की है देखिए पॉइंटर मांग रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा ऑब्जेक्ट ये दो लाइने क्या करना चाह रहा हूं मैं मैं इन दो लाइनों को चारों साइडों पे घुमाना चाह रहा हूं यानी इधर भी बने इधर भी बने और इधर भी बने तो राइट क्लिक किया मैंने अब यहां पे जैसे मैं उसकी सिलेक्शन का राइट क्लिक करूंगा तो उसने मुझे रेक्टेंगुलर पाथ एंड पॉलर तीन ऑप्शन उसने मेरे आगे रखे कि इस पे से किस पे जाना चाहता हूं रेक्टेंगुलर होगा वो आगे हम कमांड करने जा रहे हैं पाथ है ये किसी एक लाइन के ऊपर अरे करने के लिए इसको भी हम नेक्स्ट यूज करेंगे पोलर पोलर होता है एंगुलर फॉर्म में घुमाने के लिए यानी आपने किसी मर्कज के गिर्द घुमाना है ग्राउंड पे अगर आपने किसी को डिवाइड करना है तो वो पोलर में आता है तो पोलर ले पोलर लेने के बाद अब यहां पे वो देखे क्या कह रहा है स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ अरे तो मेरे सेंटर पॉइंट ये वाला है ये जो रेड लाइन मिड पॉइंट यहां पर आ गया ये मेरा सेंटर है तो इसके ऊपर क्लिक करे और अब देखे उसने ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिए अच्छा अब अगर आपके पास ट्वेंटी ट्वेंटी वन या कोई ऐसा वर्जन मौजूद है तो फिर तो ये सारी तरतीब ऊपर लिखी आ गई है यहाँ पे आप उसको देखें वैल्यू चेंज करें बिटवीन गैप चेंज करना है एंगल का तो वो करें फिल करना है तो ये डायलॉग मौजूद है और अगर आप के पास पुराना वर्जन है तो आप यहाँ पे ये यह देखें ये आपके पास सिलेक्ट ग्रिप और ये उसकी सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है तो मुझे इसके नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो कम करने हैं तो उसके लिए यहाँ पे हमारे पास ये देखें आइटम्स हमने आइटम के लिए आई प्रेस करेंगे तो आइटम पे आ जाएगा मुझे छे की बजाय चार आइटम्स चाहिए तो ये देखिए उसने चार यहां पे सेट कर दिए और यहां देखिए डायलॉग में भी उसकी चार आइटम्स हो गई हैं राइट क्लिक करके एंटर करें कमांड आपकी कंप्लीट हो गई है या ऊपर डायलॉग से आप ओके कर दें तो इस तरह से वो आसान तरीन वे समझाने में टाइम लगा है लेकिन करने में कोई टाइम नहीं लगा अब आपने अगला काम यहां पे क्या करना है वो ये है कि आप इसको ये देखे ये पूरा कंबाइन होगा ना क्योंकि अरे अरे की कमांड लगी हुई है इस पर आपने यहां पे इसको एक्सप्लोर करना है एक्सप्लोर की जो शॉर्ट की है वो एक्स है एक्स लेकर सिंपल आपने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया हुआ है एक्स लेकर एंटर कर दे एक्सप्लोर हो जाएगा अच्छा एक्सप्लोर क्या करता है जैसे ही अः हम इसको अरे कर रहे थे तो अरे करने के बाद ये ऑब्जेक्ट जैसे मैं यहां करके आपको दिखा रहा हूं ये ऑब्जेक्ट सारे कंबाइन है एक इनके ऊपर आ, एक अरे का फीचर अप्लाई हो गया हुआ है तो उसकी वजह से ये एक अपने ही सिस्टम के तहत सेलेक्ट हो रहे हैं जैसे आ, अगर मैं बात करता हूँ तो ये अपने पोलर में इसके ऊपर ये वर्किंग की हुई है ये देखिए जैसे मैं इसको सुड करता हूँ तो पोलर के तमाम तर स्पेसिफिकेशन यहाँ पर आ जाती हैं और इस इसके ऊपर पोलर की फॉर्मेशन लगी हुई है अगर मैं इसको लहदा लहदा कर अब इसको मैं चेंज नहीं कर सकता ना मांस वो आएगा ये वैल्यू चेंज करूँ मैं इनको दूर नहीं कर सकता अलहदा नहीं कर सकता कहीं पर ट्रिम नहीं कर सकता तो एक्सप्लोर्ड हम इसलिए करते हैं कि आप इसकी ये फॉर्मेशन इससे रिमूव कर दे अप्लाई हो गई सारा कुछ हो गया ये फॉर्मेशन जब इसकी रिमूव करेंगे उसके बाद इस पर यह फीचर एडिटेबल नहीं रहेगा ये पार्ट अलहदा सारे हो जाएंगे तो मैंने ऑब्जेक्शन करके एक्स लिखकर एंटर किया तो ये देखे एक्स एक्सप्लोर्ड अब आप उनको सेलेक्ट करें तो वो नॉर्मल ऑब्जेक्ट की तरह सेलेक्ट हो गए फीचर अप्लाई हो गया लेकिन फीचर की फॉर्मेशन खत्म होगी उसके ऊपर से उसके बाद आपने क्या करना है ट्रिम की कमांड यूज करनी है और ये इन साइड से इस लाइन को रिमूव कर देना है ताकि इसका ज्वाइंट अच्छा बन सके ये देखे ये इतना हो गया अच्छा एक आ, ट्रिम के बाद आपको मैं एक कमांड यहां पे और देना चाहतूंगा कि ये लाइनें आपस में ज्वाइन हो जाएं इन लाइनों को आपस में ज्वाइन करने के लिए हमारे पास कमांड मौजूद है ज्वाइन की जे उसकी शॉर्ट की है जैसी आप जे करेंगे तो ये देखें यहाँ पे ज्वाइन का ऑप्शन आ जाएगा सिंपल जे लेकर एंटर कर दें कमांड सेलेक्ट कर दें या कुछ भी जैसे ही आप इसको यहाँ पे ज्वाइन करेंगे तो आपने जिस जिसको ज्वाइन करना है ये देखें उस उस सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर दें अच्छा ज्वाइन वो होगा जो आपस में सिरा जिसका जुड़ा होगा जिसका सिरा जुड़ा नहीं है उसको आप ज्वाइन नहीं कर सकते अच्छा यहां पे मैं एक और आपको भी ऑप्शन दू जैसा आपने ये एक एरिया ज्वाइन कर लिया आप बाकियों को डिलीट कर देते हैं भाई आप ठहर जो जरा साइड पे हो जो ये देखिए मैंने सारे रिमूव कर दिए अब सिर्फ एक ऑब्जेक्ट पकड़ा वही मैं इसको अरे की कमांड दोबारा दे रहा हूँ पोलर के साथ दे रहा हूँ और ये मिड पॉइंट दिया और यहां पे नंबर ऑफ आइटम्स उसकी मैं चार करता हूं तो यहाँ पे एंटर कर दे ये देखें वो अरे हो गया और इसको एक्स एक्सप्लोर किया अब वो जो मैंने ज्वाइन की थी लाइने वो सारी अपनी अपनी जगह पर पहुंच गई हैं तो ये इसका एक वो समझ लें कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती जाएगी अब मैं इन सारी चीजों को यहां से रिमूव कर रहा हूं ये देखें ये रेड लाइन भी मैं यहां से रिमूव करता हूं ये अजाफी चीजें थी जो मैंने बतौर रेफरेंस यूज की ये सारी रिमूव की तो ये आपके पास डिजाइन मौजूद है ये डिजाइन यहां पर बनेगा अब इस डिजाइन को हमने अरे uh, करना है पैटर्न करना है जो दूसरे सॉफ्टवेयर में उसको पैटर्न कहा जाता है यहां पे उसको अरे कहा जाता है मैं इस इमेज को यहां से सेलेक्ट करता हूं और ऑफ कर देता हूं अब क्योंकि इमेज का मकसद तो हमारा हल हो गया अब हम क्या करेंगे इसमें बहुत आसान है अरे की मान लें यहां से लेके ये ऑब्जेक्ट मैंने सेलेक्ट किए राइट क्लिक करें राइट right क्लिक करने के बाद उसको मैं बोलूंगा रेक्टेंगुलर यानी अब आपने एक्स और वाई डायरेक्शन पे इसको रे करना है पहले हम घुमा रहे थे एक्स और वाई पे करने के लिए एंगुलर जब मैं उसको बोलूंगा तो यहाँ पे आप इन डायलॉग्स में देख सकते हैं कि कॉलम कितने देने हैं चार रोज कितनी देनी है यानी ये जो ये आएंगे ये कॉलम है नीचे जो बढ़ेंगे ये रोज होती है तो यहाँ पे उसको कॉलम और यहाँ पे आपको आइकन से भी नजर आ रहा है ये देखें ये कॉलम है और इस तरफ की पट्टियां रो होती हैं तो ये लेवल ये थ्री डी में जाकर यूज होते हैं उसके बाद बिटवीन गैप देखें एज टू एज गैप उसका इसी तरह से उनका टोटल uh, गैप अब हमारा जो गैप आ रहा है वो कितना आ रहा है 4.5 हमने जो कैलकुलेट किया था 4.5 जैसे मैंने 4.5 लिखा तो ये देखें ये यहां पे ये पोजीशन आ गई इसको मैंने एक पढ़ा दिया वो यहां से आप क्वांटिटी उसके कॉलम पांच कर सकते हैं ऐसे ही उसकी रॉ भी मैं पांच करता हूं ये देखें मैंने जैसे इसको जूम आल किया तो रोज इसकी पांच बनी हुई है लेकिन ऊपर वाली साइड पे गई हुई है तो हमें क्या करना है इनको एक तो इनका बिटवीन गैप हमने सेट करना है अब ये ये अप अप साइड 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 पे 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 गई हुई हुई है है मुझे तो ये पे है। तो डाउन जाइए इसकी वैल्यू पॉजिटिव लगी हुई है। मैं इसको कहता हूं तो जैसे मैंने माइनस फोर पॉइंट फाइव बोला तो वो देखे वो आ, नीचे की तरफ आगे क्योंकि माइनस वैल्यू दी नीचे आना है ना तो वो ऑटोमेटिकली उसने सारे उसके टोटल भी सेट कर दिया हर चीज उसने सेट कर ली और ये वो काम है जो आप मैनुअल बनाने बैठते तो आपने पता नहीं इसको अलहदा डिजाइन करना था इसको अलहदा करना था बड़ा लंबा मामला शुरू हो जाना था जैसे ही आप इसको अरे करें अरे करने के बाद आप वही वाली बात जो मैंने इससे पहले बताई थी कि जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये एक सारा कंबाइन सेलेक्ट होगा इसके ऊपर अरे की फॉर्मेशन लगी हुई है आप इसको अपनी मर्जी से कम ज़्यादा एडिट कर सकते हैं तो अभी चूँकि हमने इसको यहाँ पे जैसे मैं स्केप करता हूँ तो यहाँ से हमने इसको कनेक्ट भी करना है बॉर्डर के साथ ताकि कटिंग में हमें प्रॉब्लम ना आए तो उसके लिए आपको एक्सप्लोर करना होगा इस सिलेक्शन को पकड़े और एक्सप्लोर कर दें और लेकिन याद रखिएगा एक्सप्लोर आपने वन टाइम करना है उसकी वजह यह है कि अगर आपने इसको एक्सप्लोर कर दिया एक दफ़ा और तो ये जो जुड़े हुए ऑब्जेक्ट है ये सारे आहदा अलहदा हो जाएंगे इसलिए ये एहतियात बहुत ज़रूरी है और अब आपने इसको आ, इतना काम करने के बाद कुछ काम मैनुअल भी करने हैं ट्रिम की कमांड दें और ट्रिम की कमांड दें और ये वाले ऑब्जेक्ट जो हैं यहां से डिलीट कर दें ये देखें ये वाले ऑब्जेक्ट इसमें डिलीट किए असल में खुँँ, खुँँ, ये वाले ऑब्जेक्ट इसमें डिलीट करें और इसको मुकम्मल करें क्योंकि जब तक आप इनको डिलीट नहीं करेंगे तब तक यहां पे इसकी प्रॉपर पॉकेट नहीं निकलेगी और जब तक प्रॉपर पॉकेट नहीं बनेगी उसकी यहां पे जो रिक्वायरमेंट होती है राउटर की वो पूरी नहीं होगी तो ये देखिए मैंने यहां पे ये तमाम ऑब्जेक्ट को ट्रिम कर लिया अब ये डिजाइन आपके पास बिल्कुल कंप्लीट है और इस डिजाइन को आप यूज कर सकते हैं अब इसको अगर आप ज्वाइन करना चाहें ज्वाइन की कमांड यूज कर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करूंगा देखिए मेरे पास ऑप्शन मौजूद है एक आल आल किया ज्वाइन के साथ तो जितने भी ऑब्जेक्ट है वो सारे यहाँ पे ज्वाइन हो गए जो भी इसके अलहदा अलहदा ऑब्जेक्ट्स थे वो सारे के सारे ज्वाइन हो गए और आप इसको जब स्पायर में लेके जाएंगे तो वहां पे भी सारे ऑब्जेक्ट आप एक कमांड से ज्वाइन कर सकेंगे लेकिन ऑटो कैड के अंदर भी ये ऑप्शन मौजूद है मैंने जैसे अभी जे आल लिखा तो आल से तमाम ऑब्जेक्ट या मैनुअल आप सेलेक्ट कर ले तमाम ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए और जुड़ गए जो हमने पहले एक काम किया था जोड़ने का अगर आप वहां पर नहीं भी करेंगे तो यहां पर आके आप इनको ऑल करके सबको बसानी जोड़ सकेंगे तो इस तरह से ये डिजाइन आपका रेडी हो गया अगर मैं आ, इसको ऑन करना चाहूं लाइन पे जाके क्लिक करें और यहां पे राष्ट्रीय इमेज को सेलेक्ट करें और यहां पे ऑन करें ये देखें जैसे ही आप इसको ऑन करेंगे तो अब आपका डिजाइन बिल्कुल उसके साथ मैचिंग में बन गया हमने किसी को अलहदा लेदा जाकर ट्रेस नहीं किया ऑटोमेटिकली तो हर चीज वहां पर बैठ गई अच्छा आपको अगर काम करने में प्रॉब्लम आए तो आपने इमेज को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे उसकी मौजूदा ट्रांसपेरेंसी यानी इमेज को सेलेक्ट करके ये उसकी ट्रांसपेरेंसी ऑन ऑफ की जा सकती है ये देखिए अब ये वाइट है आपको यहाँ पे फील नहीं हो रहा लेकिन आप कोई दूसरा इमेज इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे आप उसकी ब्राइटनेस और ये देखें ये लेकिन ये कम भी हो रही है लेकिन कम पे जाकर वो बिल्कुल जीरो कर देता है वो इमेज वाइट होने की वजह से वो उसको दे नहीं रहा ये उसका ये आप ये आप फेड को यूज कर सकते हैं ये देखिए आप उसको थोड़ा सा फेड कर दें तो इस तरह से ये मैंने स्केप किया तो इमेज भी आपके पास मौजूद है लेकिन वो आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा आप आसानी उस पर काम कर सकते हैं तो फेड का ऑप्शन आप इसमें इस्तेमाल करके इस मसले को हल कर सकते हैं तो होपफुली uh, आज के इस लेक्चर में आपको जोमेट्रिकली uh, भी कुछ चीजें मिली हैं आज के लेक्चर में हमने इसमें रेक्टेंगल ड्रॉ की रेक्टेंगल ड्रा करने पहले सबसे पहले काम हमने किया उसके रेक्टेंगल और इमेज को इंपोर्ट किया उसके बाद इमेज uh, की सेटिंग में आके हमने उसको अलाइन किया अलाइन बिहॉ स्केल हमने अलाइनमेंट की और अलाइनमेंट करने के बाद उसको हमने कैलकुलेट किया कि ये ऑब्जेक्ट की ज्योमेट्री क्या है उस ऑब्जेक्ट को कितने हिस्सों में हमने तकसीम करना है और ज्योमेट्री को किस तरह से बनाना है ज्योमेट्री बनाने के बाद आपने उसको अरे की कमांड भी उसमें यूज़ की पोलर भी हुई और रेक्टेंगुलर भी यूज़ हो गई और उसके बाद हमने इमेज को फेड करना भी सीखा उसकी ब्राइटनेस और कंट्रास्ट को भी सेट करना सीखा तो ओवरऑल जो हमने ये चाँद कमांड इस्तेमाल की वो आपको इंतहाई फ़ायदा देंगी इस तरह के डिज़ाइन बनाने में और उम्मीद करता हूँ कि आपकी जो नॉलेज है उसमें इस वीडियो से काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा आपने दुआ में याद रखिएगा इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ नई टेक्निक के साथ दोबारा हाजिर हाफिज़